मतलब मुझे नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्रीज क्यों रिलीज नहीं होती है, जबकि यहाँ से बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं हमारे इंडिया से। तो मैंने ये देखा कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, मुझे ये डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आई, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि डॉक्यूमेंट्रीज इंडिया में ठीक से रिलीज नहीं होती है, तो किसी को वो पहल करनी चाहिए, एक वो आइडिया था मेरे मन में कहीं ना कहीं। पर जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी तो मुझे लगा कि ये सही फिल्म है, इससे शुरुआत करनी चाहिए और इस फिल्म को सिनेमा में पहुंचाने के लिए मदद करना चाहिए, तो मैंने ये किया। आपके साथ एक बड़ा सपोर्ट है संपत जी, एक और फिल्म जो रिलीज हो रही है पहले जो कमर्शियल फिल्म है, उसके साथ संपत जी का सपोर्ट नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे साथ संपत जी इसलिए है कि संपत जी पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री है ये, और जहां तक वो दूसरी फिल्म की बात है वो तो फिक्शन फिल्म है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके बीच में कोई कंपेरिजन है। अलग अलग प्रकार की फिल्में हैं, तो संपत जी का इस फिल्म के साथ होने का कारण तो बहुत ही खास है कि उन पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री है, तो वो इस फिल्म को मदद करेंगे, इस फिल्म को जहां तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं तो वो करेंगे। उन्होंने आपसे शेयर किया कि जो कमर्शियल फिल्म हो रही है उससे वो नाखुश है या इतनी प्रसन्न नहीं है कि वो फिल्म बन रही है? मुझे, मेरे साथ तो उन्होंने ऐसा कुछ शेयर नहीं किया, मीडिया के साथ उन्होंने शायद ऐसा कुछ शेयर किया, मैंने सुना था लास्ट टाइम कि वो कम खुश हैं उस फिल्म से और उनको लगता है कि उनके गैंग पर बनी हुई फिल्म है, पर मैंने तो फिल्म देखी नहीं है तो मुझे पता नहीं है कि किस पर बनी हुई फिल्म है और क्या है उस फिल्म में, पर हमारी ये डॉक्यूमेंट्री है जो संपत पाल पर बनी है। एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फिल्म मेकर, आप ही फिल्म बनाते हैं, उनकी तरफ से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि अगर आपने उनके ऊपर फिल्म बनाई होती फिक्शन की और वो सपोर्ट नहीं करती? और मतलब मैं एज एन प्रोड्यूसर और एज एन एक्टर मैं फिल्म नहीं बनाता किसी और की कहानी पर, और अगर मैं बनाता तो उनको साथ में लेकर बनाता, तो ये मेरा, अगर मैं कुछ भी प्रोड्यूस करता हूँ और किसी में एक्ट करता हूँ तो मैं ये चाहूँगा अगर किसी पर बन रही है तो उससे कमीशन ली जाए कि हम आप पर फिल्म बना रहे हैं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, क्योंकि किसी आदमी की बहुत मेहनत हो सकती है, उनके सालों का एक काम हो सकता है कि उन्होंने किया हो और उन्होंने गैंग बनाने में 8 साल लगाए हों, उनके लोगों को जोड़ा हो, अगर मैं होता तो ये करता, पर मुझे पता नहीं है कि गुलाब गैंग किसके बारे में है, क्या वो इसके बारे में है या नहीं है, ये मुझे पता नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो फिल्म किसके बारे में। आपने इससे पहले भी शिप ऑफ थियोसिस का को सपोर्ट किया, अब ये है, तो लगता है कि जो छोटी फिल्में या जिन फिल्मों का ध्यान नहीं जाता उनकी तरफ ध्यान जाएगा सिंस किरण इज ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ इट? शिप ऑफ थीसिस को मैंने सपोर्ट नहीं किया, शिप ऑफ थीसिस मैंने बनाई, मैंने प्रोड्यूस की सबसे पहली बार शिप ऑफ थीसिस, और उसमें मैंने एक्टिंग की, और 4 साल लगे हमें शिप ऑफ थीसिस को बनाने के लिए और बहुत ही प्यार से बनाया हमने, और बिल्कुल किरण के आने से शिप ऑफ थीसिस इतने लोगों तक पहुंच पाई, ये बहुत ही खास वजह रही कि किरण के जुड़ने से फिल्म कहाँ से कहाँ पहुँची, और अभी गुलाबी गैंग में भी किरण मदद कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि नए तरह के दरवाजे खुल रहे हैं कहीं ना कहीं नए प्रकार के सिनेमा के लिए। शिप ऑफ थीसिस के बाद लंच बॉक्स आई तो उसे यूटीवी ने ठीक से डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो फिल्म ज़्यादा लोगों तक पहुँची, मुझे लगता है नए सिनेमा की शुरुआत है कि नया सिनेमा जो हमारे यहाँ से बन रहा है वो लोगों तक पहुँचने की शुरुआत शुरू हुई है, जो कि किरण ने कहीं ना कहीं की है मुझे लगता है। थैंक यू। अच्छा, कल किरण पार्टी दे रही है क्या वेलेंटाइंस डे की? नहीं, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं। आपको बुलाया? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। चलिए, अगर वो तो बता दीजिए। जी, थैंक यू, थैंक यू। रिस्पॉन्स अब तक बहुत ही अच्छा रहा है, मैंने ये फिल्म लास्ट ईयर दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देखी थी और आई वाज कंप्लीटली ब्लोन अवे, मैंने ऐसी डॉक्यूमेंट्री, ऐसा नॉन फिक्शन काम इंडिया से देखा नहीं था पहले, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैं शायद अकेला इंडियन था उस स्क्रीनिंग में कि मैं संपत पाल की हर एक बात पे तालियां बजा रहा था और आई वाज फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड, आई वाज फीलिंग वेरी मूव्ड, इट्स अ प्रोफाउंडली मूविंग पीस ऑफ सिनेमा एंड द फैक्ट दैट इट्स हैपनिंग राइट हियर इन माई एनवायरमेंट, इट्स हैपनिंग इन माई हाउस, इन माई इमीडिएट एनवायरमेंट, मेक्स इट रियली रियली मूविंग एंड स्पेशल फॉर मी। Joining the,
चेंज ला रहा है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में? आई वुड रियली होप सो. बहुत ही मुझे लगता है कि हम सभी जो कर रहे हैं वो बहुत ही मिनिस्क्यूल है. बहुत सब मिलकर, हम सब मिलकर अगर करेंगे तो ही चीजें होगी, और बहुत चीजें होने की जरूरत है. हम बहुत ही हमारा एनवायरनमेंट जो है, हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट जो है, सोशल एनवायरनमेंट जो है, जो इंक्रीजिंगली डेंजरस होते जा रहा है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर अपनी जितनी भी एनर्जीज है, जितनी भी रिसोर्सेज है, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशंस में लगाए, जो डायलॉग जरूरी है, जो संवाद जरूरी है, मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स के अंदर लेके आने, उनके अंदर हम अपनी एनर्जीज और अपने रिसोर्सेज लगाए. तो ये आशा ये है कि बहुत ही जितना भी कर सके उससे एक मिनिस्ट्रियल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उस एनवायरमेंट में. एक और फिल्म गुलाब गैंग टू स्टार्स, वुमेन स्टार्स आल्सो कमिंग इन द रिसेंटली. आपको लगता है कहीं ना कहीं ये विवादास्पद हो जाती है चीजें जब कोई पिक्चर का काम होता है और स्पेशली जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो उससे उसकी लाइफ पे बना होता है और उससे सहमत नहीं होता? देखिए, जहां तक मुझे पता है गुलाब गैंग की टीम ने संपत पाल से कभी कोई सलाह मशवरा नहीं किया था, ना ही उनसे कोई परमिशन ली थी, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिल्म संपत पाल की जिंदगी पे आधारित है. और अगर वो आधारित होनी होती तो मुझे लगता है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो जिनका नाम लिया जा रहा है, जिस ग्रुप का नाम, जिस मूवमेंट का नाम लिया जा रहा है, जिस मूवमेंट की आइडेंटिटी को अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, कम से कम उनसे बात करके उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उनकी जिंदगी को देखते हैं, उनके उनके वातावरण को देखते हैं, उनके उनकी उनके काम को देखते हैं, और उसके उससे उसे अप्रोप्रिएट करते हैं. ये ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा खोखला सा एक अप्रोप्रिएशन हुआ है जहां पे सिर्फ नाम और आइडेंटिटी अप्रोप्रिएट किए गए हैं. तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से ये विवाद हो रहा है, वरना विवाद की तो कोई बात ही नहीं. नॉन फिक्शन फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, रियल जिंदगी को जाके निष्ठा जैन ने वहां जाके एक साल रह के उनके साथ ऑन एंड ऑफ वहां पे रह के उनको डॉक्यूमेंट किया है, और हमें बहुत ही एक इंसाइटफुल, बहुत ही एनलाइटनिंग पीस ऑफ सिनेमा हमारे सामने निष्ठा ने प्रकट किया है. थैंक यू. तो एक चीज, 21 फरवरी को फिल्म रिलीज हो रही है 20 थिएटर्स में पूरे भारत में. प्लीज जाके ये फिल्म देखिए, और ये बहुत ही जरूरी है कि हम सब मिलकर नॉन फिक्शन सिनेमा को देखें, ताकि हमें पता चले कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है, हमारी जिंदगी क्या है, और हम कैसे इस कल्चर के साथ एक बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बना सकते हैं. थैंक यू. The film is fantastic. It's a wonderful film. It's a strong film. It's a very important film. I think the whole world should see it. It's a world that none of us know about, and it's a world that we should know about. It's a very, it's an inspiring film, but it's an enlightening film. Like I'm saying, it's a world we don't know, it's a world we don't see, it's a world we don't understand. We lived in a city our entire life, and whether it's about the caste, whether it's about the place, whether it's about what Sampath Pal and people are doing, it's really important, and it's an inspiring film, it's an emotional film, it's fantastic. I don't see the need for me to comment on this. I think the fact that Gulab Gang is also getting made is because they make on this issue, I think that in itself is a very great thing. Between Sampath Pal and them, it's a personal issue. I don't think that I'm entitled to comment on that. But when we make a film, inspire, credit, then credit is but there's something like Shomik Ko, there's something that Sampath Pal between them. I think I'm looking forward to Gulab Gang because it's a feature film in a commercial format made on a very interesting subject. So I'm glad it's been made in the first place. The modalities of that is something that I think I'm not. देखेंगे देख लिए वो भी देखो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इट वॉज अ वंडरफुल
piece of filmmaking as a documentary, and it's had a great impact on me actually, and I'll need some time to get over it. But I feel everybody in this country needs to watch this film. We don't know how people and women especially are living, thinking and doing in such small parts of India. It's a must-see for every citizen of this country. मैंने वो तो देखी नहीं है but this is real, this is a documentary and it's not a work of fiction, so it has its own impact and makes you really think and the diversity that this country is, and I definitely think it's a must watch. We all need to see what is ती पण पिक्चर बघी पण पहिली आता ही पाहिली आहे म्हणून ह्याचा इम्पॅक्ट खूपच आला माझ्यावर आणि मला वाटतंय सगळ्यांनी म्हणजे प्रत्येक बाई आणि पुरुषांनी इंडियामध्ये बघायला पाहिजे ही डॉक्युमेंटरी. थँक्यू.